सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। बुफे में मिलता है बहुत सारी वैरायटी का खाना, बट सारा दिन मैं क्या क्या ट्राई कर सकती हूँ? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ सारा दिन बुफे। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। नो, इट्स लंच टाइम। एक्चुअली नो गाइस, मैंने ना ब्रेकफास्ट और लंच को कर दिया है कंबाइन और बना दिया है इसको ब्रंच। सो बुफे करने के लिए मैं आ गई हूँ बारबेक्यू नेशन। एंड बेस्ट बात पता है क्या है, ये सुबह 11:30 बजे खुल जाता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, क्योंकि भाई अब ना भूख बहुत लग रही है, तो चलो देखें बुफे में क्या क्या है। आ जाओ। सो गाइस, मेरे बुफे के स्टार्टर्स लग चुके हैं एंड इतने सारे स्टार्टर्स हैं, ओह माय गॉड, लगता है आज स्टार्टर्स खा के ही पेट भर जाए। यहाँ की बेस्ट बात जो मुझे लगती है वो है, यहाँ पे आपको दिया जाता है लाइव ग्रिल। यस, जस्ट हैव अ लुक। ये है लाइव ग्रिल, उसमें लगे हैं तड़कते भड़कते पनीर टिक्के, मशरूम, स्पाइसी पाइनएप्पल एंड ये है सोया चाप। उसके साथ ही में ना और भी स्टार्टर्स हैं, सिर्फ लाइव ग्रिल नहीं है। उसके अलावा आपको दिया जाता है यहाँ पे ये काजन स्पाइस पोटैटो एंड ये है मेरी फेवरेट पानी पूरी। इसके साथ में है ये क्रिस्पी कॉर्न एंड ये है वेज कबाब, साथ ही में है ये ड्रिंक। भाई एक्साइटेड पता है मैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड पानी पूरी। आपको पता है ना पानी पूरी कितनी पसंद है, बट आज इसके साथ मैं एक ट्विस्ट करने वाली हूँ, अभी दिखाती हूँ क्या। आपने कभी ये दही वाली जो पानी पूरी होती है उसमें पानी डाल के खाया है? अक्सर दही डाल के खाते, बट आज मैं इसमें ना डिप कर रही हूँ पानी में, देखो कैसी है। अमेजिंग, पता है ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार ट्राई करा है कि दही के गोलगप्पे के अंदर मैंने पानी भर दिया। काफ़ी अच्छा है, अब भी ट्राई करना। अब खाऊं क्या, इतने सारे स्टार्टर्स हैं। एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन है कि किससे स्टार्ट करूं। ये खा लेती हूँ, ये जो है ना क्रिस्पी कॉर्न, ये सब जगह नहीं मिलते, यहाँ के मेरे बहुत ही पसंदीदा है। भाई मुझे ये बहुत पसंद है। आई बारी क्रिस्पी कॉर्न की। ये जो कॉर्न को कोट करते हैं ना, एक बैटर होता है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्रिस्पी है, टेस्टी बहुत है। आपको पसंद है भुट्टे की? नहीं, भुट्टे ऐसे निकाल के क्रिस्पी कॉर्न बनाया करो, बड़ा मज़ा आता है। अब क्या खाऊँ? ये खाती हूँ काजन स्पाइस पोटैटोस। पता है गाइस, ये डिश यहाँ की इतनी फेमस हुई है कि कई रेसिपी चैनल्स में ना इसको बना के दिखाया जाता है कि एक्चुअली ये बनती कैसे है। चलिए भाई हम भी ट्राई करें कैसी है ये। पूरा ले लूँ क्या? इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? आधा खाती हूँ। आई लाइक इट, बट थोड़ी ये थोड़ा बाद में जाके हिट कर रही। आई थिंक ये स्पाइसी ज़्यादा बना दी इन्होंने आज। एक्चुअली इतनी स्पाइसी नहीं होती है इस डिश में ना। एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये पोटैटो की जो स्किन जो है उसके साथ ही बनाते हैं एंड मुझे पोटैटोज़ की स्किन नहीं अच्छी लगती, चाहे जितनी अच्छी डिश हो। ये आ गई मेरी फ्रेश प्लेट। सबसे पहले क्या खाऊँ बताओ। ये खाती हूँ मैं, ओहो, सोया चाप। जैसे दिल्ली में बड़ी पॉपुलर है सोया चाप, यहाँ देखती हूँ जयपुर के अंदर कैसी बनाई है। ऑलराइट, तीन एक और निकाल देती हूँ, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है। चलिए भाई, मुझे इसके अंदर कोई भी डिप्स नहीं चाहिए इनकी, मैंने सारी डिप्स जो है वापस करा दी। ओहो, ये तो निकालने के लिए, सॉरी, दूसरे फोक से खाती हूँ। ऑलराइट, सही है, दिल्ली वाला दम नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में काफ़ी सारी सोया चाप मैंने अपनी स्ट्रीट फूड वीडियो में दिखाई थी, दिस आर ओके, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मज़ा। अब ट्राई करती हूँ पाइनएप्पल, यू नो पाइनएप्पल कितना अच्छा लगता है मुझे, एक ही खाऊंगी। हाँ आइए, टड़ुंग टड़ुंग टड़ुंग। ये सच में बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कभी भी जाओ ना ये ज़रूर खाती हूँ मैं। पनीर कैसे भूल सकती हूँ मैं, पनीर तो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
पहले पनीर खाती हूँ। आप चाहिए इधर 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 इधर, ये अच्छा है गाइस। सो गाइस स्टार्टर्स इतने सारे थे, पेट बहुत भर चुका है, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे भाई मेन कोर्स में क्या क्या मिलता है। ये देखो भाई, सबसे पहले ये देखिए, ये है भाई इनकी वेज बिरयानी, आय हाय, केले के पत्ते के ऊपर रखी है, कितनी सुंदर दिख रही है। साथ में यहाँ पे आपको है ये आलू गोभी मटर, और ये है भाई कढ़ाई पनीर, उसके साथ में प्लेन राइस, ये है चटपटी सी गोभी दिख रही है भाई, उसके साथ में है ये मेथी मटर, अरे वाह यार ये इंटरेस्टिंग लग रही है। और ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है दाल मखनी, और अरे नूडल्स कहाँ गायब हो गए गाइस, नूडल्स अभी आए नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको बोलूँगी कि नूडल्स जो है ना आप मेरी टेबल पे सर्व कर दीजिए, बाकी ये सब मुझे नहीं लगता मैं मेन कोर्स खा सकती हूँ, क्योंकि डिजर्ट्स के लिए भी तो पेट में जगह रखनी है ना। चलो चल के नूडल्स खाते हैं। टू 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 नूडल्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई थिंक थोड़ी सी विनेगर डल जाती तो और अच्छा लगता। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और यहाँ पे मिल रही है बहुत सारी डिजर्ट, ये देख रहे हैं, और डिजर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे भाई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। पर ये देखो मैंने क्या लिया है अपनी डिजर्ट्स में, ये ली है मैंने ब्राउनी विद आइसक्रीम। ओह माय गॉड, आई एम रियली टेम्पटेड टू ट्राई दिस। चलो भाई यहीं ज़रा, आय हाय क्या लग रहा है ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वाओ, पता है क्या अच्छी चीज़ है, ये ब्राउनी फ्रेश है, बिल्कुल भी पुरानी रखी हुई नहीं दी है इन्होंने, सोचा नहीं था मैंने इतने कम लोगों में ये फ्रेश बना बना के दे रहे हैं। जस्ट सीरियसली वेरी इंटरेस्टिंग, फ्रूट्स भी रखते हैं डिजर्ट्स में, फ्रूट्स कौन खाता है, क्या पता कई लोग खाते हो, मैं तो नहीं खाती। चलिए भाई अभी अपनी डिजर्ट ख़त्म करती हूँ और फिर आपको मिलूंगी अब सीधे स्नैक टाइम पे। बाय, इट्स स्नैक टाइम गाइस। बट भाई ब्रंच इतना ज्यादा हैवी था कि अभी मेरे छोटू से टमी में स्नैक खाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी मैं पीऊंगी नींबू पानी ताकि डिनर तक ना मेरे टमी में जगह बन जाए और मैं बहुत बढ़िया सा जो है डिनर बुफे करूं। एंड भाई कमेंट सेक्शन में आप लोगों की बहुत कंप्लेंट्स हैं कि मैं कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेती हूँ। भाई ऑफकोर्स मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस लेती हूँ, ये सैनिटाइज़र और मास्क लगाने के अलावा मैं एक लेवल ऊपर के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलती हूँ। पता है कैसे, ये देखिए गाइस, यहाँ पे है मेरे पास ये तुष्टि का इंफ्रारेड थर्मामीटर, इसको पहले यूज़ करना बताती हूँ। यहाँ से आप ऑन करिए और यहाँ पे ऐसे लगाइए, ये बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे दिखा देता है, मेरा है 97.3। वैसे देख के आप समझ ही गए होंगे, आप जब कभी भी बाहर जाते हैं इसी थर्मामीटर से आपका जो है बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98 के आसपास तक है देन यू आर गुड टू गो, अगर उससे ज़्यादा है देन डोंट पैनिक। भाई आपको नहीं पता है कि ये फीवर आपको पैंडेमिक की वजह से आया है और इट्स अ रेगुलर फीवर। उसको चेक करने के लिए ना मेरे पास एक और गैजेट है, वैसे आजकल मैं ये इतना यूज़ करती हूँ, मेरे घर में कोई भी गेस्ट आता है या हाउस हेल्प्स आती है ना तो मैं सबसे पहले उनका जाके लेती हूँ बॉडी टेम्परेचर, देन दे आर अलाउड टू एंटर। अब मैं दिखाती हूँ बाय चांस अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तब आपको क्या करना है। सो गाइज मेरे पास जो दूसरा सेफ्टी प्रोडक्ट है वो है तुष्टि का ये ऑक्सीमीटर। अब पहले इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से इसमें फिंगर डालिएगा और ये बटन स्विच ऑन कर दीजिएगा। अच्छा अब ये करता क्या है, ये आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक करता है। अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 95-100 के बीच में है देन यू आर गुड टू गो, एंड अगर ये 90 के अंदर आ जाता है देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। अब मेरा देखो भाई मेरा कितना है, भाई मेरा यहाँ पे बता रहा है 98, दैट मीन्स आई एम गुड टू गो। अब आप बोलेंगे कि अब इसको निकाल देती हूँ ज़रा, अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने ये तुष्टि का इंफ्रारेड थर्मामीटर और ये ऑक्सीमीटर क्यों लिया है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड आई बिलीव इन वोकल फॉर लोकल। वैसे और भी बहुत सारे सस्ते ब्रांड्स के ये ऑक्सीमीटर एंड थर्मामीटर अवेलेबल हैं, बट अगर आपकी रीडिंग्स ही गलत आएँ दैन व्हाट्स द पॉइंट, आपकी मेहनत जो है सारी बेकार हो जाएगी। इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर, एंड आई बिलीव इन आजकल ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको ज़रूर लेने चाहिए, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।
इट्स डिनर टाइम गाइस, और एक बार मैं फिर से आ गई हूँ बुफे खाने। पता है लाइफ में पहली बार मैं एक दिन में ना दो दो बार बुफे खा रही हूँ। आपने कभी खाया है एक दिन में दो दो बार बुफे? तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना भाई, भूख ना अब एक्चुअली में लग रही है। तो चलो जल्दी से खाते हैं अपना डिनर, आ जाओ आ जाओ। सो गाइस, डिनर के लिए मैं आ गई हूँ रेडिसन, जहाँ पे सर्व करते हैं सिट डाउन बुफे। और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि पता है मैंने क्या करा, आते ही सबसे पहले ग्रैब कर ली अपनी ये मॉकटेल। भाई ये मॉकटेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका नाम है पिंक सिटी मॉकटेल, जयपुर में है ना इसलिए। सीरियसली गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम रिफ्रेश हो गई मैं। और वहाँ पीछे बन रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से मेरे कबाब। तो चलो भाई इसको मैं फिनिश करती हूँ और चल के वहाँ खाते हैं अपने कबाब्स, आ जाओ। सो गाइज, यहाँ पे आ गए हैं मेरे बहुत सारे कबाब। जस्ट हैव अ लुक, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले दिए हैं इन्होंने ये गलौटी कबाब, और ये वाले ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है आलू और अखरोट के कबाब, उसके साथ में है ये तंदूरी आलू, ये है तंदूरी मशरूम, पनीर टिक्का, और ये है मेरा फेवरेट तंदूरी पाइनएप्पल। वैसे गाइज ये सारे ना अनलिमिटेड है, बट क्योंकि मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ तो पता नहीं ये सारा भी मैं खा पाऊंगी कि नहीं सुबह, क्योंकि बहुत सारा खाना खाया है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी यस ये गलौटी कबाब। पता है मैंने कहाँ खाए थे? याद करो, अरे लखनऊ स्ट्रीट फूड में दिखाए थे ना टुंडे के कबाब, वेजिटेरियन वो भी, ये वही हैं। पराठा खाने का भी मन नहीं है, सिर्फ कबाब खाती हूँ। अरे भाई यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चटनियाँ भी तो दी हैं, मैं लेती हूँ ये वाली चटनी, ये मीठी मीठी की थोड़ी कुछ अच्छी सी लग रही है मुझे। ये लीजिए भाई चटनी, थोड़ी सी डाल ली, ज़्यादा नहीं डालूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं, पर जो लखनऊ वाले थे ना कबाब वो बहुत अलग टाइप के थे, इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। इन दोनों कबाब में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, बड़े इंटरेस्टिंग है भाई। आप खाती हूँ यस, मेरा फेवरेट पनीर टिक्का। डुम डुम डुम, क्या लगता है सारा खा पाऊंगी कि नहीं, पता चलेगा। आय हाय ना गजब का है ना, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेती हूँ, नींबू डालने से क्या फ्लेवर और बढ़ेगा। ये गए नींबू, अब मज़ा आएगा। आय हाय इतना बढ़िया ये जो है पनीर टिक्का बनाया है इन्होंने, मज़ा आ गया इसको खा के। अब खाऊंगी मैं, ओके ज़रा रख भी तो दूँ। हाँ ये आप इधर जाइए, काफ़ी कंफ्यूज सी हो रही कि क्या खाऊँ। यस टिंग टिंग टिंग, बताइए क्या, अभी बताया था क्या ये? ये है तंदूरी पाइन एप्पल, देखती हूँ यहाँ का कैसा है। वाओ बहुत ही अलग है गाइस, पाइनएप्पल जो है ना वो खट्टा मीठा है, उसके बाद जो उन्होंने मसालों में उसको लपेटा है ना, आए हाय बहुत ही। ये देखो खाने के बाद मसाले ना गले में जो है किक दे रहे हैं, ये सबसे बढ़िया है सचमुच। भाई स्टार्टर्स तो बहुत ही गजब के थे, और अब मेरे पास यहाँ आ गया है ढेर सारा मेन कोर्स। चलो देखो भाई क्या क्या आया है मेन कोर्स में, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है रायता, ये है गट्टा करी, ये है पनीर मखनी, और ये है वेजिटेबल बिरयानी, एंड ये मेरा फेवरेट पालक कॉर्न, ये है दाल मखनी। ये देखो गाइस दाल मखनी में बटर कितना सारा है, अरे हाय ये खाने में तो मज़ा आने वाला है। और ये है हमारी नॉर्मल दाल, उसके साथ में यहाँ पे दी गई है तीन तरीके की रोटी, जिसमें से मेरी फेवरेट ये है मिस्सी रोटी। इसी से शुरुआत करते हैं ठीक है। आहा मैं खाऊँगी यस पालक कॉर्न के साथ, बोला था ना फेवरेट है, मुझे एक्चुअली पसंद है। बहुत ही अमेजिंग बनी है, बेस्ट बात पता है क्या है, इसके अंदर जो कॉर्न है ना बहुत मीठे, आई थिंक अमेरिकन कॉर्न यूज़ करे उन्होंने। एंड पता है मैंने अपने गार्डन में बहुत सारी पालक लगाई थी, अभी इन दिनों इतनी बारिश हुई है मेरे घर में पानी भर गया था ना, सारी पालक ख़राब हो गई, नहीं तो कितनी बढ़िया मैं पालक पनीर बनाती हूँ उसकी। अब थोड़ा सा ये गट्टा करी नहीं खाऊंगी भाई, जब से जयपुर में आई हूँ मेरे घर में बहुत गट्टे बनते, पापा को बहुत पसंद है गट्टे, जब देखो शाम को गट्टा करी बनती है, पर गट्टे नहीं खाऊंगी मैं, खाऊंगी पनीर।
पनीर भी तो देखें कैसा है, पनीर मखनी। हाँ ये देखो घी टपक रहा है उसमें। कसूरी मेथी का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है गाइस। ये जो पनीर है ना, इन्होंने जो है मलाई पनीर यूज़ करा है। अब ये नान आई है भाई, सॉरी ये तो तंदूरी रोटी है। क्या पता नहीं क्या है, लच्छा पराठा है, तंदूरी रोटी है, नान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक लच्छा पराठा है। इसको खाती हूँ दाल मखनी के साथ। आ जाओ दाल भाई, आ जाओ, ढेर सारी लूँगी मैं, भूख तो लगा ही रात होते होते। अरे भाई ओ, लास्ट दिसंबर गई थी पंजाब, वहाँ पे दाल मखनी खाई थी। अब इतने टाइम बाद आज दाल मखनी ट्राई करी है, कसम से दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो टमाटर का टैंगी टैंगी फ्लेवर है ना, वो आ रहा है ऊपर से, इन्होंने डाल दी थी जो भर भर के देसी घी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ रहा है बुफे खाने में। और ये सब भी अनलिमिटेड आपका मेन कोर्स, बट भाई मैं खाना वेस्ट नहीं करती, तो पहले इतना अगर मैं खा सकती हूँ तो खा लूँगी, उसके बाद और मंगाऊँगी। और हाँ थोड़ी जगह डिज़र्ट्स के लिए भी तो रखनी है। इट्स डिज़र्ट टाइम गाइस, और आज के वीडियो में एक नहीं दो दो बार डिज़र्ट टाइम आया है। और ये देखो डिज़र्ट कितनी अमेजिंग सी है, आओ आओ देखो देखो, ये देख लो एक डिज़र्ट प्लेट में बहुत सारी डिज़र्ट्स है। ये गुलाब जामुन, ये है फिरनी, मूंग दाल का हलवा, और ये है बेसन की चक्की। भाई एक डिज़र्ट प्लेट में इतनी सारी डिज़र्ट, पहली बार ट्राई करूँगी मैं। चलो चलो खाते हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन, आ जाओ भाई कट जाओ। ऑल राइट, थोड़ी फिरनी भी लगा ही देती हूँ उसमें। आह हाँ, क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। अमेजिंग भाई, ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन ना ठंडी ठंडी फिरनी के साथ खाने में सीरियसली मज़ा आ गया। अभी तक ना गुलाब जामुन में आइसक्रीम के साथ खाना पसंद करती थी, बट ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है, आप ज़रूर ट्राई करना। थोड़ी सी चक्की भी खा लेती हूँ, ये पहली बार खाई है यार, ये बड़ी गजब की है। भाई ये डिज़र्ट प्लेट ना मैं पूरी ख़त्म करूँगी, क्या पता एक और खा लूँ। भाई अब ना ये जल्दी से मैं ख़त्म करती हूँ, और आपको मिलूँगी अगले ट्यूसडे। और तब तक ना वीडियो देख के ऐसी मत चले जाना भाई, खूब सारा लाइक देना मेरे वीडियो को। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।